तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा शॉर्टिंग। हम बताएंगे आपको कि डेटा को कैसे किस तरह से शॉर्ट किया जा सकता है हमारी इस ऑफिशियल लाइफ में। हम आपको इस चीज़ को बताएंगे कि डेटा शॉर्ट कैसे करते हैं, शॉर्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले शॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है कि किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए हम शॉर्टिंग का यूज करते हैं। जी हाँ, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए हम शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट का इस्तेमाल करने के लिए जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, रहा आपका शॉर्ट ए टू जेड, जेड टू। तो मुझे शॉर्ट करना है, मान लीजिए नेम के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ जितने भी नेम है एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो यहां पे मैंने क्या किया, शॉर्ट किया शॉर्ट ए टू जेड। लेकिन ए टू जेड करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका डेटा में कहीं ब्लैंक तो नहीं है। अगर डेटा कहीं ब्लैंक हुआ तो शॉर्ट नहीं हो। जी हाँ, डेटा कहीं ब्लैंक है तो शॉर्ट आपका नहीं होगा। रीजन ये क्योंकि एक कंट्रोल ए पे चलता है। कंट्रोल ए क्या करता है, हम एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करते हैं, जितना मेरा डेटा वो सिलेक्ट हो जाता है। क्योंकि कंट्रोल ए करते समय इसकी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर ब्लैंक रो है तो उससे ऊपर कोई सिलेक्ट करेगा, अगर ब्लैंक रो नहीं है तो फिर आप कंट्रोल ए कीजिएगा तो आपका पूरा डेटा सिलेक्ट होगा। तो ये जाहिर सी बात है, अगर आपको शॉर्ट करना है तो बिना विदाउट सिलेक्शन आप शॉर्ट करने के लिए अगर डेटा में कोई ब्लैंक नहीं है तो शॉर्ट कर सकते हो, अगर ब्लैंक है तो फिर आपको सिलेक्ट करके शॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए टू जेड किया डार्क इसके अकॉर्डिंग हो गया, जिस पे कर्सर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम ए टू जेड करेंगे तो हमारा शॉर्ट हो जाएगा जिस पे कर्सर रखेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि मुझे दो के अकॉर्डिंग करना है, मुझे नेम और मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। तो उस केस में हम यहाँ कस्टम शॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, कस्टम शॉर्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम नेम को लेते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ हम प्रोडक्ट को लेते हैं। हमने नेम लिया एंड प्रोडक्ट लिया एंड ओके कर देता, ये हमारा शॉर्ट हो गया। अब यहां पे एक दिक्कत आती है क्योंकि हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो ये चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले हम शॉर्टिंग यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज सीखना होगा, सिलेक्शन। क्योंकि जब तक आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप आगे कुछ भी करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको कॉपी करना है, आपको पेस्ट करना है, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है या कुछ भी करना है आपको, तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर डेटा को सिलेक्ट आपने नहीं किया तो बाकी चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो डेटा सिलेक्शन के बारे में चलिए पहले जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने जाए। पर सबसे पहली क्लास हम डेटा सिलेक्शन की लेते हैं। तो डेटा सिलेक्शन कैसे करेंगे, देखिए उससे पहले कर्सर मूवमेंट के बारे में जानेंगे कि कर्सर मूव करने के लिए कहीं भी क्लिक करते हैं तो वहां कर्सर मूव होता है। क्लिक करने के बाद आप होल्ड करके माउस को मूव करते हैं तो सिलेक्शन होता है। क्लिक किया और माउस को होल्ड रखते हुए हमने मूव किया तो एरिया सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर कीबोर्ड से करना चाहे तो आप शिफ्ट के साथ एरो की यूज कर सकते हैं, इस तरह से शिफ्ट प्रेस करते हुए, शिफ्ट को प्रेस रखें और एरो की को ऊपर नीचे आगे पीछे जहां करना हो कर सिलेक्ट हो जाए। बट ये तो हुई मैनुअल सिलेक्शन, जल्दी जल्दी कैसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला है आपका कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या होता है, यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट में हमारा गो टू स्पेशल होता है, इसमें हमारा करेंट रीजन होता है कंट्रोल ए। बट कंट्रोल ए की दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका पूरा का पूरा एरिया ब्लैंक हुआ तो वो नीचे के डेटा को सिलेक्ट नहीं करेगा, पूरा ब्लैंक होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें तो एक में कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए मुझे एक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, पूरा ही सिलेक्ट कर लेगा। बट ब्लैंक पूरा का पूरा है तो सिलेक्शन नहीं करेगा, पहली प्रॉब्लम।
दूसरी कॉलम की, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ ऐसे ही फालतू में लिख रखा है, तो एक उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। तो इससे बचने के लिए दो तरीके हैं कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कर्सर रखेंगे तो कर्सर को सबसे लास्ट में जाना है, तो कंट्रोल के साथ आप राइट एरो करेंगे तो लास्ट में, डाउन आर करेंगे तो नीचे, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट, और ऊपर करेंगे तो ऊपर। तो कंट्रोल प्रेस करते हुए एरो का निशान यूज करेंगे तो सबसे लास्ट में डेटा का चला जाएगा, या फिर जब तक उसको ब्लैंक ना मिले। जैसे कि यहाँ पे उसको ब्लैंक मिला, तो अब मैं नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आके कर्सर मेरा रुक जाएगा, तो ब्लैंक नहीं है तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। लेकिन मुझे सिलेक्शन करके जाना है तो इसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट, जी हाँ, कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करूंगा और फिर मैं एरो की को राइट एरो की, डाउन एरो की, अप के लिए लेफ्ट, जो भी यूज करेंगे तो आपकी सिलेक्शन होती जाएगी। तो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट करें, राइट एंड डाउन करें, राइट एंड डाउन करें, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राइट एंड डाउन करें तो डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। राकेश जी, समझ में आया आपको? राकेश जी, मनीष जी, कोई डाउट? ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। लेकिन मुझे अगर माउस से सिलेक्शन करना हो तो माउस से मैं एक होल्ड करते हुए सिलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक बार सारा सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो माउस से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ये करना होगा कि आपको पहले स्टार्टिंग में सिलेक्ट करें और फिर सबसे नीचे चले जाए और फिर शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक करें। ठीक है, जैसे कि आप लास्ट डेटा या स्टार्ट डेटा को आपने क्लिक कर लिया और आपको स्टार्ट या लास्ट पे चले गए और शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे मेरा क्लिक है और शिफ्ट के साथ मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ तक की पूरी रो एंड कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी इस तरह से। अब बात करते हैं मल्टी सिलेक्शन की। मान लीजिए मुझे इसमें कुछ कुछ चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सिलेक्शन फॉर्मेटिंग के लिए है तो आप जैसे मर्जी वैसे सिलेक्ट कर लीजिए, आप फॉर्मेट कर लेंगे। लेकिन आप डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा सिक्वेंस में होना चाहिए। जैसे कि आपने सिटी लिया, नेम लिया और MRP लिया, तो ठीक है। अब नीचे भी आपको ऐसे ही सिटी लेना है, नेम लेना है, MRP लेना है, तब इसको कॉपी करके कहीं आप पेस्ट करेंगे तो इकट्ठा पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट करेंगे तो इकट्ठा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस तरह सिलेक्शन किया, सीक्वेंस नहीं किया, तो यहाँ कॉपी नहीं करने देगा। तो कहने का मतलब कि आपने अगर तीन इसको एक से पाँच लिया है तो आपको नेम को भी एक से पाँच लेना पड़ेगा, ऐसे आप क्वांटिटी को भी एक से पाँच लेना पड़ेगा। मतलब जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जरूरी है कि सबको सिलेक्ट करना, जिस जिस कॉलम को चाहिए उसको आपको पूरा सीक्वेंस में लेना होगा, फिर उसको आप कॉपी करके कहीं पेस्ट करेंगे। तो कॉपी अलग अलग होगा बट पेस्ट आपको इकट्ठा होगा यहाँ, इसका ध्यान आप रखेंगे। उसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, तो मान लीजिए कि मैं एक नंबर को, एक सेल वैल्यू को कई सारे जगहों पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैंने दो या तीन लिया और इन तीनों को मैं बहुत सारे सेल्स पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट तो पूरा लूँगा लेकिन पेस्ट तो तीन ही होगा। वन टू मैनी होता है बट मैनी टू मैनी नहीं होता है, तो जितना कॉपी होगा उतना ही पेस्ट होगा, चाहे आप सिलेक्शन पूरा क्यों ना करें, इसका भी ध्यान आप लोग रखेंगे। बट एक सिंगल सेल है तो उसको लेके आप पूरा में पेस्ट कर सकते हैं।
और जब भी पेज होगा सीक्वेंस होगा, आप चाहेंगे कि मान लो मैंने कॉपी कर लिया, मैंने इसको 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 पेस्ट कर देता हूँ, तो ये तीनों जगह पे होगा पेस्ट। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, मतलब कि आपने इसको कॉपी किया और कई सारे जगहों पे मुझे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर ले और फिर पेस्ट करें, तो उन सारे जगहों पे तीन तीन होगा, तो जितना सिलेक्टेड होगा उतना होगा। लेकिन आपने कंटिन्यूस सिलेक्ट किया तो फिर आपको पेस्ट जो है, एक मिनट हो गया, अगर आपने कॉपी किया और आपने कंटिन्यूस पेज सिलेक्ट करके पेस्ट किया, तो अगर उसमें पहले से डेटा है तो आपको सिर्फ उतना ही पेस्ट होगा, लेकिन अगर आपने ब्लैंक को सिलेक्ट किया है तो नहीं, वो आप फिर पेस्ट करेंगे, तो पहले पूरा पेस्ट कर दिया था। ऊपर से नीचे की तरफ पेस्ट कर रहा हूं, तो एक दो बार पेस्ट करने के बाद पूरा सिलेक्टेड पेस्ट होता है। हमने कॉपी किया और ये रीड कर लेता है, अगर मैं सिलेक्ट करके पेस्ट करूंगा तो इतना ही पेस्ट होगा, फिर दोबारा पेस्ट किया तो पूरा पेस्ट होगा। दोबारा पेस्ट करूंगा, फिर ये सिस्टम अपने आप को अंडरस्टैंड कर लेता है और फिर इसको पेस्ट करता है, इसके अंदर जो होगा उसके हिसाब से। पेस्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, सॉर्टिंग। जी हाँ, सॉर्टिंग पे आते हैं, तो आप एक साथ दो या दो से ज़्यादा को सॉर्टिंग कर सकते हैं, यहाँ सॉर्टिंग एंड फिल्टर में कस्टम सॉर्ट, और यहाँ आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं ताकि डेटा को अपने ढंग से अपने सीक्वेंस में अरेंज कर सके, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है आगे कि मुझे यहाँ हमारे डेटा पे मान लीजिए मंथ है और मुझे मंथ को पेस्ट करना है, मंथ को सॉरी शॉर्ट करना है, तो मंथ को कैसे शॉर्ट करेंगे। अगर मैंने मंथ को लिया और कस्टम में गए, मैं पहले तो इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, डिलीट डिलीट, और फिर मैंने इसको ऐड में गया और यहाँ से मैंने मंथ ले लिया, तो शॉर्ट तो एक भी तो यहाँ पे आपका अप्रैल पहले आया, फिर आपका जो है अप्रैल पहले आया, उसके बाद अगस्त आया, क्योंकि अल्फाबेट शॉर्ट होता है। ये हमारा अल्फाबेट शॉर्ट होता है, लेकिन मुझे कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना, तो कैसे करें, तो मैं यहां सॉर्ट कस्टम सॉर्ट पे आऊंगा और यहां आपको नीचे दिखेगा कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट मतलब जैसे आप जैन लिख के ड्रैग करते हैं तो जैन 5 मार्च आ जाता है, संडे मंडे लिख के ड्रैग करते हैं तो इसी लिस्ट से आता है, तो इसमें आप जो है अपने जैन 5 को लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कर लीजिए, और यहाँ पे ओके कीजिएगा तो ये आपका जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। अब क्वेश्चन आता है क्या हम यहाँ अपने हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे नेम हमारा है तो मैं अपने हिसाब से इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको कस्टम लिस्ट आपने बना रखा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बनाना पड़ेगा। कैसे, चलिए हम बताते हैं कैसे। यहां मैं मान लीजिए नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो नेम पे आया और कस्टम लिस्ट को सिलेक्ट किया। अब यहां जैसे मैंने यहां पे बना रखा है, आप कैसे बनाएंगे, न्यू लिस्ट पे जाइए और यहां एक एक एंट्री प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करते हुए चले जाइए, इस तरह से, और फिर ओके कर दीजिए, और फिर पहले पूजा आएगा, फिर नीरज आएगा, फिर बाकी नेम आएंगे।
इस तरह की आप शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए हमने कलर किया हुआ है कुछ, जैसे कि हम लोग होते हैं ना हाईलाइट कर देते हैं कुछ, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ शॉर्ट के कस्टम शॉर्ट में जाए और यहाँ मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया और यहाँ देखिए सेल वैल्यू के जगह पे हमने सेल कलर को चूज कर लिया। फिर यहाँ से हमने अपने कलर को दिया, टॉप में चाहिए बॉटम में चाहिए आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके। ये आपका टॉप बॉटम, ये आपका हाईलाइट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, एक कंडीशन पे हाईलाइट करने, तो इसमें हमारे पास एक आइकन होता है, हम आइकन डाल देते हैं तो बताता है कि ये लोअर में है, अपर में है, मिडल में, हाईएस्ट में, वो वैल्यू यहाँ पे आपको बता देता है। तो मुझे इसमें से अपर वाले को सबसे टॉप पे रखना है, तो शॉर्ट करते समय कस्टम शॉर्ट करते समय आप यहाँ से क्वांटिटी यहाँ पे हमारी एमआरपी को सिलेक्ट किया, सेल वैल्यू के जगह पे यहाँ पे हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन को सिलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे हमने सेल कलर माफ कीजिए आइकन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमने अपना जो भी आइकन को रखना है ऊपर में हमने सिलेक्ट किया एंड ओके किया, ये आइकन हमारे ऊपर भी आ गए। तो शॉर्टिंग आप इससे भी कर सकते हो। दूसरा, शॉर्ट करते समय जब आप कभी भी शॉर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे फील्ड नेम तो दिखेगा लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे कॉलम ए बी सी डी दिखेगा। अगर आपको कॉलम ए बी सी डी दिखा इसका मतलब है कि यहाँ माई डेटा हैज ए हीडर पे क्लिक नहीं है, माई डेटा हैज ए हीडर पे आप क्लिक कर दीजिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एक दूसरा ऑप्शन पे जाते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे एक होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे कि आपने अपर केस और लोअर केस मतलब ये बड़े और छोटे में लिख रखा है तो जो नॉर्मली आप शॉर्ट करते तो मिक्सअप कर देता है, बट केस सेंसिटिव कर देते हैं तो जो कैप्स लेटर में लिखा है उसको ऊपर, जो स्मॉल में लिखा है उसको नीचे, इस तरह से सेग्रीगेट कर देता है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ऐसा कर सकते हैं। तीसरा इसमें आता है शॉर्ट राइट टू लेफ्ट। अभी हमने शॉर्ट किया और टॉप टू बॉटम किया, एक होता है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। तो मैं यहाँ पे नेम के साथ कुछ नंबर्स देता हूँ जैन कर करके, मैं बताता हूँ एग्जांपल। मुझे शॉर्ट करना है इसको अपने हिसाब से तो हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यार, जब भी आप लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करें तो आपका हेडिंग सेलेक्ट मत कीजिएगा वरना वो भी शॉर्ट कर देगा, इसमें हेडिंग आइडेंटिफाई करने का ऑप्शन नहीं होता है। कस्टम शॉर्ट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ऑप्शन में जाके शॉर्ट लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ, तो जैन 5 के अकॉर्डिंग या फिर रो 2 कर देंगे तो रो 2 के अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट हो जाएगा इस तरह से। ये तो थी हमारी बेसिक कंसेप्ट कि बेसिक शॉर्टिंग कैसे की जाती है। एक बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए फिर हम आपको बताएंगे एडवांस शॉर्टिंग मेथड। आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अभी जय कुमार जी, मनीष जी एंड राकेश जी, कोई भी डाउट हो तो। सब 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 कुछ समझ में आ गया? हाँ समझ में आया सर। मनीष जी आपको डाउट? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपको एडवांस सॉर्टिंग करेंगे और इसी को रिपीट करना है तो 5 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, रिपीट हो जाएगा सर।
ठीक है सर, ओके बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, बाय सर। Thank you.